नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पाठ सांत विश्वास नींव कर्तव्य के सेशन टू में। बच्चों, आज हम संपूर्ण कहानी का भावार्थ समझेंगे और उसमें से मिलती सीख को अपने जीवन में अपनाएंगे। पर इससे पहले हम जान लेते हैं कि सेशन वन में हमने क्या सीखा। चलिए, कक्षा सांत, विषय संस्कृत, पाठ सांत, विश्वास नैव कर्तव्य, दैट मीन्स नेवर ट्रस्ट, सेशन टू। तो बच्चों, हमने अब तक की कहानी में जाना कि एक अजा अपने शिशु से कहती है कि मैं अभी बाहर जा रही हूँ, तुम यहीं पर रुकना। पर अजा शिशु मानता नहीं है और वह अपनी माँ के पीछे पीछे चल पड़ता है। अजा आगे चली जाती है और अजा शिशु रास्ता भूल जाता है तो वह रोने लगता है। उसी समय पर एक शृगाल आता है। अजा शिशु को रोते हुए देख शृगाल सोचता है, क्यों ना उसका नरम मांस मुझे खाने को मिल जाए। यह सोच वह अजा शिशु के पास जाकर उसे पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो। तो अजा शिशु ने कहा कि इस तरह से मैं अपनी माँ से अलग हो गया हूँ। शृगाल कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास पहुंचा दूंगा। तो बच्चों, क्या अजा शिशु शृगाल की बात मानकर उसके साथ जाएगा? ये जानने के लिए बढ़ते हैं आगे की कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ते हुए अब ध्यान दीजिए बच्चों आगे के चित्र पर। अजा शिशु वदति अहम् भवन्तम् न जानामि। अजा शिशु यानी यंग वन ऑफ द गोट वदति सेज, अहम यानी आई, भवंत टू यू, न जानामि डोंट नो। द यंग वन ऑफ द गोट सेज आई डोंट नो यू। मम माता वदति यत अपरिचितेन सह कुत्रापि न गमनीयम् इति। मम यानी माय, माता मदर, वदति सेज यत दैट अपरिचितेन स्ट्रेंजर सह विथ कुत्रापि एनीवेयर न गमनीयम् इति डोंट गो। My mother says, don't go anywhere with a stranger. वंचकः शृगालः वदति मम विषये मा चिन्तयतु। वंचकः यानी कनिंग, शृगालः फॉक्स, वदति says, मम my विषय यानी मैटर, मा चिंतयतु डोंट वरी। द कनिंग फॉक्स सेज डोंट वरी अबाउट माय मैटर। पश्यतु तत्र एक पीपल वृक्ष अस्ति। पश्यतु यानी सी, तत्र देयर एक पीपल वृक्ष, वन पीपल ट्री, सी देयर इज अ पीपल ट्री। तत्र भवतः माता अन्विष्यति, तत्र यानी देयर, भवतः योर, माता मदर, अन्विष्यति इज सर्चिंग, योर मदर इज सर्चिंग यू देयर।
Translation: The young one of the goat says, I don't know you. My mother says, don't go anywhere with a stranger. The cunning fox says, don't worry about my matter. See, there is a peepal tree. Your mother is searching you there. तो बच्चों, अब जब अजा शिशु श्रृगाल के साथ जा रहा है तो क्या होगा आगे, चलिए जानते हैं। ध्यान दीजिए, अजा शिशु श्रृगालेन सह गच्छते। अजा शिशु यानी यंग वन, श्रृगालेन फॉक्स, सह विथ, गच्छति गो, द यंग वन ऑफ द गोट गोज विथ द फॉक्स। तस्मीन क्षणे अजा आगच्छति। तस्मीन क्षणे यानी एट दैट टाइम, अजा यानी गोट, आगच्छति कम, एट दैट टाइम द गोट कम्स। स्वपुत्रेण सह वंचकं श्रृगालं दृष्ट्वा वदति। स्वपुत्रेण सह वंचकं श्रृगालं दृष्ट्वा वदति। स्वपुत्रेण सह यानी विथ हर ओन यंग वन, वंचकं श्रृगालं टू द कनिंग फॉक्स। दृष्ट्वा यानी सीन। वदति सेज, सीइंग हर ओन यंग वन विद द कनिंग फॉक्स शी सेज। पुत्र भवान एतेन सह कुत्र गच्छति। पुत्र यानी सन, भवान यू, एतेन सह विद हिम, कुत्र वेर, गच्छति यानी गो, सन वेर आर यू गोइंग विद हिम। अस्य विश्वासः न करणीय। अस्य यानी दिस, विश्वासः न करणीय, शुड नॉट ट्रस्ट, डोंट ट्रस्ट हिम। Translation: The young one of the goat goes with the fox. At that time, the goat comes. Seeing her own young one with the cunning fox, she says, Son, where are you going with him? Don't trust him. तो बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं कि अजा श्रृगाल पर प्रहार कर रही है। क्यों प्रहार कर रही है, चलिए जानते हैं। शिशु मातु समीपम धावती। शिशु यानी यंग वन, मातु समीपम नियर मदर। द यंग वन रन्स टू इट्स मदर। शिशु मुखात घटनाम श्रुत्वा अजा क्रुध्यति। शिशु मुखात यानी फ्रॉम यंग वन्स माउथ। घटनाम इंसिडेंट, श्रुत्वा लिसन, अजा गोट, क्रुध्यति गेट्स एंग्री। ऑन हियरिंग द इंसिडेंट फ्रॉम द Young one's mouth, the goat gets angry. Aja shugalam praharati. Praharati yani prahar karna, attack. The goat attacks on the fox. Shugalah palayate. Palayate yani runs away. The fox runs away.
Translation: The young one runs to its mother. On hearing the incident from the young one's mouth, the goat gets angry. The goat attacks the fox. The fox runs away. तो बच्चों, अब जब श्रृगाल वहां से भाग जाता है तो अजा अपने शिशु को समझाती है। अजा शिशुं वदति, पुत्र अपरिचितस्य उपरि कदापि विश्वासः नैव करणीय। शिशुं यानी टू द यंग वन, अपरिचितस्य उपरि अपॉन अ स्ट्रेंजर, कदापि नेवर, नैव नॉट, करणीय मेक। द गुड सेज टू द यंग वन, सन नेवर ट्रस्ट अ स्ट्रेंजर। न मैत्री करणीय न कुत्रापि गमनीयम्। नेवर मेक फ्रेंडशिप विथ हिम एंड Never go anywhere with a stranger. Translation: The goat says to the young one, Son, never trust a stranger. Never make friendship with him. And never go anywhere with the stranger. तो समझे बच्चों? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी अनजान लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और ना ही उनसे मित्रता करनी चाहिए। बच्चों, यहाँ कहानी पूर्ण। तो अब आपको इस कहानी का स्वयं अभ्यास करना है और भावार्थ समझकर अपनी नोटबुक में लिखना है। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।